Thank you so much each and everyone for your valuable support. Now support value start from 29 rupees only. बहुत सारे कमेंट आते हैं मुझे, बहुत सारे क्यूरीज आते हैं, सब लोग यही पूछते हैं ऑयल पेस्टल को ब्लेंड कैसे करते हैं। तो ऑयल पेस्टल को ब्लेंड कैसे करते हैं, उसके टूल्स कौन से होते हैं, ये सब लोग पूछते हैं। लेकिन बहुत कम लोग पूछते हैं कि ऑयल पेस्टल कौन सा अच्छा होता है, पेपर कौन सा अच्छा होना चाहिए, टूल्स कौन कौन से होने चाहिए। तो ये सारे जितने भी कन्फ्यूजन है ना ऑयल पेस्टल से रिलेटेड, वो सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि टेक्निक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ब्लेंड कैसे करते हैं। लेकिन आप पेपर कौन सा यूज़ करते हैं ना, वो आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा आज के एपिसोड से कि आपको पेपर कौन सा यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है कि आप पहले फ्री हो, आप कर सकते हो, तो बेसिक का प्रैक्टिस कर लेना है आपको, हैंड फ्री कर लेना है जो मैं हमेशा कहता हूँ, वो कर लिया आपने। अब ये करने के बाद सबसे पहले कि ऑयल पेस्टल कौन सा होना चाहिए, मार्केट में तो कई सारे हैं, शॉप में आप जाओगे तो कोई भी आपको बता देगा कि ये ले लो, ये ब्रांड है, फेवर कैसल है, कैमलिन है, डोम्स है, और इसके जैसे बहुत सारे हैं। आप फिर कंपेयर किसने करोगे, प्राइस में देखोगे, जो कम है वो ले लूँ मैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको, वो जिम्मेदारी मेरी है कि मैं आपको कंपेयर करूँ कि क्वालिटी कैसी है। आपको सबसे ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान देना है, और ऐसा नहीं कि प्राइस का फ़र्क है उसमें। मैं आपको जो भी बताऊँगा ना, प्राइस कम बताऊँगा और क्वालिटी ज़्यादा बताऊँगा मैं। इसके लिए मैंने कंपेयर बहुत सारे किए हैं मैंने, तो उसमें कुछ जैसे मिला है मैंने बहुत टाइम तक मैंने ड्रॉ किया था कैमलिन से। इसमें बहुत सारे आप जो बैकग्राउंड में देखते हो ना, जो आपको बहुत पसंद आता है ना, बहुत सारे लोगों ने ऐसा बैकग्राउंड भी बनाया, फोटो भेजते हैं मुझे। यहाँ पे ऑयल पेस्टल है, जैसे आप देख रहे हो कैमलिन का मैंने बहुत यूज़ किया है, और ये सॉफ्ट भी अच्छा है, चलता भी अच्छा है, ब्लेंड भी अच्छे होता है। लेकिन जब से मैंने एक इसको यूज़ किया है ना, कंपेयर किया है मैंने फेवर कैसल से यूज़ किया है, या फिर कई सारे और भी ब्रांड है उससे भी मैंने कंपेयर किया, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसको मैंने बहुत ड्रॉ किया है और बहुत सारे ड्रॉ किए, जैसे अभी आप देख रहे हो इसमें मैक्सिमम मैंने ड्रॉ किए हैं। ऑयल पेस्टल अगर लेना है तो डोम्स का जो है ना वो बहुत ही बेस्ट है, मैं आपको अपना रिकमेंड कर रहा हूँ मैं। और डोम्स में भी कई सारे ऑयल पेस्टल होते हैं, उसमें भी मैं आपको एक रेकमेंड करूँगा, जैसे कि ये वाला, ये पैक तो आपको होना ही चाहिए। इसका प्राइस आपको 360 प्रिंट है, आप इसे कंपेयर करके ले सकते हो, 10% 20% ऑफ भी रहता है, आप ज़रूर लीजिए उसे। इसमें बेनिफिट क्या है देखो, एक टिश्यू पेपर मैं हमेशा ही रखता हूँ, कि कभी कभी क्या होता है ना, घर में टिश्यू पेपर रहता है लेकिन कभी ख़त्म हो जाते हैं ना, तो ये आप कभी कभी ना ऐसे रखा कीजिए, तो ये आपको हेल्प करता है, ये बहुत अच्छा टिप बता रहा हूँ मैं। इसके अलावा जितने भी देख रहे हो ना आप ऑयल पेस्टल में, आप देखते हो ना सर्कुलर फॉर्म में होते हैं वो, और एजेस आपको नहीं मिल पाता, लेकिन यहाँ पे जितने भी आप ऑयल पेस्टल देखते हो ना उसको आप एजेस मिलता है, पेन की तरह, पेंसिल की तरह कंट्रोल मिलता है ये जो देख रहे हो ना। और इसके साथ साथ इसमें शार्पनर भी रहता है, इसका खुद का होल्डर रहता है, इसका जो आप देखते हो ये शार्पनर भी है, जो कि आपको कंट्रोल देता है। एक जैसे पेंसिल में हमको कैसे कंट्रोल मिलता है कि आप एक पॉइंट होता है, वो पॉइंट आपको इसमें मिल सकता है, ये जो हेक्सागन का आप देख रहे हो ना, कि इसमें जो कंट्रोल है ना, इसके सॉफ्टनेस है, हर चीज़ों में ये अच्छा है। तो जो भी ऑयल पेस्टल स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहला तो आपको ये प्रोडक्ट आप ले लो। ये प्रोडक्ट आपको क्या है ना, क्वालिटी भी बढ़ानी है आपकी। अगर आप गलत डायरेक्शन में आप क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो हो सकता है कि टाइम भी वेस्ट होगा, आपका स्किल भी डेवलप नहीं होगा। तो ये पहला है कि आपका स्टेप में कि ब्लेंडिंग नहीं होती है, या फिर आपका अच्छे से नहीं बनता, या फिर आप नए ही बनाना चाहते हो, तो डोम्स का रखो, और ये स्पेशली। तो ये हो गया। और ये प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, नियरेस्ट शॉप में मिल सकता है आपको, या फिर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रख दूंगा मैं, आप वहाँ से परचेज भी कर सकते हो। इसके अलावा आप ऑयल पेस्टल तो हो गया, पेपर में तो सबसे ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन आता है मुझे कि प्रिंटर पेपर पर कर लूँ क्या, ड्रॉइंग शीट है मेरे पास वो कर लूँ क्या, या फिर कोई भी एक ब्रांड है वो A4 साइज़ का उसमें कर लूँ क्या। मैं वो सब में कर चुका हूँ मैं, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप पैसे भी कर रहे हैं, डाल रहे हैं, लेकिन आउटपुट भी अच्छा नहीं आ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट टेक्निक का भी है, सिर्फ सच चीज़ों का फॉल्ट आपका नहीं है, कुछ मटेरियल्स का भी होता है। तो इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा अगर मैं रिकमेंड करता हूँ तो वो है वाटर कलर पेपर। वो सिर्फ वाटर कलर के लिए नहीं होता है, ऑयल पेस्टल के लिए भी होता है, क्योंकि देखो ऑयल पेस्टल जो होता है ना वो बहुत ही चिकना होता है, स्किट होता है, तो कभी कभी प्लेन सरफेस पे ना वो निकल जाता है, वहाँ से वो कलर जो होता है ना, हम लोग जब ब्लेंड करते हैं तो ब्लेंड करते करते ना सारे कलर निकल जाता है, सिर्फ वहाँ पे इम्प्रिंट रह जाता है, एकदम हल्का सा कलर रह जाता है, ये सब लोगों ने देखा होगा, इनफैक्ट मैंने भी देखा है। इसके लिए मैंने आई स्टार्ट यूजिंग वाटर कलर पेपर, तो वहाँ से मुझे ब्लेंड, क्योंकि उसमें जो ग्रेन्स होते हैं ना वो होल्ड करके रखता है ऑयल पेस्टल के जो कलर्स है ना उसको, तो वो ब्लेंड अच्छा करता है। तो इसलिए आप कभी भी आप लोगे तो डोम्स का ऑयल पेस्टल और वाटर कलर पेपर लेना है, उसमें ब्रुस्टो भी है और अनुपम का भी है, तो अनुपम का थोड़ा कंपेयर करेंगे तो सस्ता मिलता है, इकोनॉमिकल है, वो आप ले सकते हो। और उसमें भी
पेपर जो होते हैं ना वो उसकी भी क्वालिटी है अलग अलग। जैसे आप देखते हो कि ब्रूस्टो का ही, जैसे मैंने आपको बताया ना उसका यूज़ किया मैंने, ब्रूस्टो का वाटर कलर पेपर है उसमें भी क्वालिटी आती है, 120 GSM है, 150 GSM है, 180 GSM है, 200 GSM है, 300, 250, 240, 400 ऐसे GSM है। ये GSM क्या होता है ना, वो आपके थिकनेस होती है पेपर की। तो आपको क्या करना है, 400 का लेना है? नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना? पता है क्यों? वो वाटर कलर के लिए है, पानी को होल्ड करने के लिए होता है। यहाँ पे आपको क्या कर रहे हैं ना, जैसे जैसे GSM ऊपर उठता है ना उसके प्राइस आगे बढ़ता है, ऊपर उठता है। तो यहाँ पे आपको लेना है 200 GSM, इसलिए कि या तो बहुत कम भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है, और इसका प्राइस भी कंपेयर टू अगर 300-400 से देखेंगे तो कम रहता है। तो आपको अच्छे खासे इसमें शीट्स मिल जाते हैं, जैसे 200 GSM A4 साइज से स्टार्ट करो। अगर आपको A5 में करना चाहते हो तो इसको आप आगे से कट कर लें, जैसे मैं हमेशा ही मैं खुद के लिए करता हूँ, तो वो आप कर सकते हो यहाँ पे। तो ये पेपर के बारे में कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा कि कोई भी ब्रांड लो आप 200 GSM का लेना, जिससे कि आपका एग्जैक्ट क्यों बता रहा हूँ मैं कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा चीप भी नहीं होगा, जिसमें कि क्वालिटी आपकी पेपर, नहीं तो आप बोलोगे कि आपने पेपर बताया, पेपर होल्ड ही नहीं करता, ऐसे मुड़ गया अच्छे से, तो वो आपको ध्यान देना है। इसके बाद अब क्या होता है ना कि ऑयल पेस्टल हो गया आपके पास, आ गया पेपर, हो गए दोनों हो गए। अब इसमें सपोर्टिंग टूल्स क्या होते हैं? टिश्यू पेपर तो आप सबसे वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, जैसे मैंने आपको बताया भी है कि ये जो टिश्यू पेपर है ना, आप सॉफ्ट वाले टिश्यू पेपर लेंगे और इसको कैसे मोड़ के आप, कैसे आपके कंफर्टेबल पे भी है, या फिर मैंने आपको बताया भी है कि किस तरीके से आप कोन बना के भी कर सकते हैं, आप इसको स्क्वायर बना के भी कर सकते हैं, इसको होल्ड करके ऐसे कर सकते हैं, आप अपने कंफर्टेबल लेवल पे आप कर सकते हैं। तो ये हो गया ब्लेंडिंग के लिए। आप पेपर स्टैम्प का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप अगर इसको होल्ड करके अगर इसको कोन बनाते हैं ना तो पेपर स्टैंप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट इसे भी कर सकते हैं। तो होल एंड सोल मैं ये कहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं करने टूल्स में, आपको ये टिश्यू पेपर से आपका काम हो जाएगा। हाईलाइट देने के लिए आपको बहुत सारे टूल्स लेने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए आपने कैसे, आपको जैसे कि सबसे ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं कि सिल आउट देते हैं, जैसे कि ब्लैक करते हैं, बैकग्राउंड बना दिया हम लोगों ने और आगे का कोई भी कैरेक्टर है ना वो हम डार्क कर देते हैं। जैसे कुछ में आपने देखा होगा, जैसे मरमेड है, जैसे ये बिल्डिंग है, और इसमें जो आपने जो ये देख रहे हो ना, ये डार्क करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो आप कोई भी एक पेंसिल ले सकते हो, ग्रेफाइट पेंसिल ले सकते हो, लेकिन 6B होना चाहिए, 8B होना चाहिए, 10B होना चाहिए, क्योंकि उसकी डार्कनेस हमें ज़्यादा चाहिए, सॉफ्टनेस चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा ना कि आप 2HB ले लोगे ना, फिर क्या होगा कि 2H ले लोगे तो वो कलर निकाल देगा, कलर चढ़ाएगा नहीं, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा आप। इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हो, जैसे कलर मैंने किए हैं ना बहुत सारे, जैसे आप कलर देख रहे हो ना, तो कलर का इम्प्लीमेंट भी किया, कलर यूज़ किया मैंने यहाँ पे, तो मैंने सबसे ज़्यादा कलर यूज़ किया है वो है ब्रश पेन का यूज़ आप कर सकते हो यहाँ पे, और इसमें आपको बहुत सारे फ्रीडम मिलता है। जैसे अभी आप देखोगे ना तो ये मैंने पूरा का पूरा ब्रश पेन से बनाया है, बैकग्राउंड सिर्फ मैंने ऑयल पेस्टल से किया, तो ये पूरा का पूरा हिरन से लेके या हर चीज़ें मैंने जो बनाई है ब्रश पेन से किया। तो बहुत लोगों का कंप्लेन रहता है कि आप ये जो ब्रश पेन है ना वो काम नहीं आते, तो एक टेक्निक बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आप क्या करो, अगर यहाँ पे बैकग्राउंड है या ट्री बना रहे हो या ये वाला बना रहे हो, तो पहले आप उसको ड्रॉ कर लो, आप ब्रश पेन से पेंट कर लो, पहले उसको पेंट कर लो, पेंट करने के बाद फिर बैकग्राउंड में आप ऑयल पेस्टल से कर लो तो वो अच्छे से लग जाएगा। लेकिन कहीं कहीं वो थोड़ा सा ना वो आगे भी आ जाता है ऑयल पेस्टल, तो उसके ऊपर से ब्रश पेन वापस लगाओगे ना तो वो अच्छे से कवर हो जाएगा। इसलिए कभी भी आप कीजिए तो पहले आप ब्रश पेन, या फिर दूसरा अगर ब्रश पेन आपके पास नहीं है, ये एक्सपेंसिव है, तो आप परमानेंट मार्कर या कोई भी एक मार्कर यूज़ कर सकते हो। आपको पेपर पे क्या करना है, पहले HB पेंसिल या 2H पेंसिल से मार्किंग कर लेनी कि क्या आपको ड्रॉ करना है सिल आउट में, फिर उसके ऊपर आप इसको पेंट कर लो। इससे पेंट करने के बाद अब आपके पास आ गया, अब उसके ऊपर आप ऑयल पेस्टल करो। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं होता, मैंने तो कर लेता हूँ ऑयल पेस्टल के ऊपर पेंट कर लेता हूँ, ब्रश पेंट भी कर लेता हूँ, इसको भी कर लेता हूँ मैं, लेकिन सॉफ्ट हल्के हल्के हैंड से, आप शायद ना कर पा आपने स्टार्ट किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इन सब टूल्स का यूज़ कर लीजिए, डार्क कर लीजिए और उसके ऊपर। हाँ, अगर आपको करना है ना तो आप ग्रेफाइट पेंसिल से आप कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दी कि डार्क कैसे कर सकते हैं, सिल आउट कैसे दे सकते हैं। अब इसमें आती है हाईलाइट देने की, हाईलाइट कैसे दे सकते हैं। देखो, हाईलाइट में दो तरीके से बताऊंगा, एक जो चीप होता है, चीप मीन्स इकोनॉमिकल मतलब आपको पैसा डालना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं डालना है, बिना पैसे डाले हुए आप हाईलाइट दे सकते हो, या फिर आपके पास कुछ टूल्स होनी चाहिए। जैसे कि टूल्स में क्या होता है, जैसे कि ये वाइट जेल पेन है ना, इसमें भी आपको
पॉइंट इसमें अलग अलग वेरिएंट आते हैं, जैसे कि 08 आता है या फिर 10 आता है या फिर 05 आता है, तो ये आता है 05 या फिर वो तो चलेगा नहीं इस पर, वो आप यूज़ नहीं ना करके आप इसको 10 या फिर 08 यूज़ कर सकते हैं, ये अच्छा है। सकुरा का या यूनिबॉल का आप ले सकते हो, या फिर दूसरा है मैंने आपको बताया ना कि आप क्या यूज़ कर सकते हो, जो नाइफ़ आता है ना, नाइफ से आप स्क्रैच करके ना ऑयल पेस्टल को जब हटाओगे ना तो पीछे का जो व्हाइट बैकग्राउंड है ना वो दिखने लगता है, एक अच्छा हाईलाइट भी दे देता है। तो कई सारे ट्यूटोरियल आपने देखा होगा, जैसे इसमें मैंने एलिफेंट यूज़ किया, जो इसमें जो आप देख रहे हो ना जितने भी हाईलाइट हैं या फिर जो मैंने कहीं कहीं पर निकाले हैं ना वो सब के सब मैंने निकाले हैं नाइफ से, तो वो निकल आता है और आपको कोई लेना भी नहीं पड़ता है इसमें हाईलाइट के लिए। तो लेकिन फिर भी मैंने आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया, जैसे आपको मून ड्रॉ करना है या फिर आपको स्टार्स ड्रॉ करने हैं तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आपके पास होनी चाहिए, और ड्रॉ कैसे करना है, कैसे ब्लेंड करना है, इसके बारे में कई सारे वीडियो बना चुका हूँ मैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा सारे। और जितने भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया, रेकमेंड किया ना, बहुत शार्प मैंने बताया आपको कि यही ही लेना है, तो आप वो प्रोडक्ट ले सकते हैं। इसके साथ साथ वो जो टेक्निक मैंने आपको बताया वो टेक्निक भी आप ले लीजिए। होपफुली ये ट्यूटोरियल आप लोग को पसंद आएगा, और पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आप कर सकते हैं, अच्छी लगे तो आप मुझे एक वैल्यूएबल सपोर्ट भी दे सकते हैं जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में सुना था। तो इसके साथ साथ मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है, अभिषेक ब्लॉग्स, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कि मैं क्या क्या करता हूँ एवरीडे, अपने टाइम कैसे स्पेंड करता हूँ अपने आर्ट के फील्ड में। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।